सबसे पहला जो टॉपिक आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेशन का मतलब है व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट, ये सब स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई, दैट मींस हिस्ट्री, ठीक है। तो थोड़ा हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, बट WBCS में देखा गया है दे आर आस्किंग यू अबाउट हिस्ट्री, ओके। सो उसको देख के वी विल जस्ट कवर दिस 3 to 4 points, बस ये 3 points से आपके इनफ है, ठीक है। सबसे पहला चीज जो है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935, ओके। इस दिन इसकी फाउंडेशन हुई थी 1935 में। सो जनरली क्या होता है ना, एग्जाम में आपको पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, 1932, 1934, 1935, 1936. सो इफ यू नो अबाउट दिस, इट वुड बी इजी फॉर यू, ओके। सो इट इज सेट अप ऑन April 1, 1935, एंड विच वॉज द एक्ट, उसका एक्ट कौन सा था, 1934 का एक्ट। जस्ट ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो, इस्टैब्लिश हुआ है एक साल बाद, ठीक है, इस्टैब्लिश हुआ है वो एक साल बाद, लेकिन उसका जो एक्ट है वो है 1934 का, ठीक है। सो जस्ट डोंट कंफ्यूज बिटवीन यू नो दीज टू थिंग्स, ओके। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है, कौन सा कमीशन है जिसने इसको बनाया है, ठीक है। तो द आंसर वुड बी हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन है जिसने इसको, इसकी रिकमेंडेशन थी। ये ब्रिटिश इंडिया का हमारा कमीशन है, बिकॉज देखो आप ईयर है 1926, ओके। दैट टाइम वी वर स्टिल अंडर द ब्रिटिश रूल, वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ओके। तो ये हिल्टन यंग कमीशन ने इसका फाउंडेशन किया था, रेकमेंड किया था, ओके। So the 3 points which you come to note till now is that it was established in 1935 under the RBI Act of 1934 under the recommendations of Hilton Young Commission. If you are seriously thinking about WBCS, please keep noting down these points, okay? It would be very helpful for you, because देखो इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? If you think that you know you have to go more details, no, you don't have to do. RBI, if I am doing with you, be assured that this is the most. इसके बाहर नहीं है आरबीआई। सो दीज टू पॉइंट्स एंड द थर्ड पॉइंट, इट वाज इनिशियली अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। इसका मतलब क्या है प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक का, एनीबॉडी, यू कैन यू नो ऑन योर माइक्स एंड टेल मी, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक क्या होता है मैम? प्राइवेट मतलब प्राइवेट जो बैंक होता है, प्राइवेट बैंक, नॉट द स्टेट बैंक्स, तो उसी प्राइवेट बैंक में शेयरिंग, मतलब जो शेयर आते हैं ना पब्लिक का, आई मीन। ओके ओके, वेरी गुड गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया। प्राइवेट शेयर होल्डर्स का बैंक क्या होता है, जैसे आप हो मैं हूँ, यू आर सौगंधा, राइट? यस मैम। ओके सौगंधा, ओके। सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, चलो यहाँ पे सुशोभन है, स्नेहा है, चंद्रिमा है और आप, चलो हम चारों मिलके सोचते हैं हमें एक बैंक बनाना है, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चारों अपने अपने घर से कुछ कुछ पैसा लेके आएंगे, ठीक है, फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे चारों मिलके, सपोज फॉर एग्जांपल हमने कुछ कुछ पैसे लेके आए, फॉर एग्जांपल 1 lakh ईच कर लो, 1 lakh में बैंक बनेगा नहीं, बट एग्जांपल के लिए समझ लो, अगर हम चार लोग 1-1 lakh रुपए अपने घर से लेके आए और 4 lakhs रुपीज हमारे पास टोटल हुए, ठीक है, तो ये जो बैंक हमने बनाएंगे इसको हम प्राइवेट बैंक बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोग प्राइवेट है, हम लोग इंडिविजुअल्स है, हम लोग कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो हम जो मिलके एक बैंक बनाएंगे उसको हम प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक कहेंगे, बिकॉज हम लोग सबका क्या है, शेयर क्या है, इक्वल है, सबका 1-1 lakh शेयर है ना, तो हम लोग सबकी एक तरह से पार्टनरशिप हो गई है स्टेक में, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब ईच, हम लोग का एक आदमी का स्टेक कितना हो गया, 25%, ओके, बिकॉज हमने चारों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे कोई जो चार लोग इंडिविजुअल्स कोई भी मिलके कुछ सोच के अगर कोई बैंक बनाते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट। तो क्या हुआ था, इनिशियली जो आरबीआई बना था, व्हेन आरबीआई वाज फॉर्मड इनिशियली इट वाज अ प्राइवेट बैंक, इट वाज मेड बाय लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, दे डिसाइडेड ओके वी विल मेक दिस बैंक। बट क्या हुआ आफ्टर 1949, ओके, इसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, मतलब अब ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज नॉट ओन्ड बाय द प्राइवेट पीपल, ओके।
सो अगर आपसे कहीं एमसीक्यू में पूछा जाए इट वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, दैट मीन्स इट इज द राइट ऑप्शन, डोंट थिंक इट इज द रॉन्ग ऑप्शन. इनिशियली वो प्राइवेट बैंक की तरह ही बनाया गया था और बाद में उसको हमने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बना लिया आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1949. ओके, सो टिल नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू इट इज क्लियर. एनी डाउट्स? नो मैम. ओके ओके, थैंक यू. ओके, नाउ वी विल कम टू द फंक्शंस ऑफ आरबीआई. अब देखो रिजर्व बैंक तो है, बनाया है, तो उसके कुछ ना कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. ठीक है, अब बस ये मत सोच लेना बस पैसा छापना, यू नो दिस इज द थिंग नॉर्मल हम सोचते हैं प्रिंटिंग मनी. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है? इट इज द बॉस. ओके, और रादर वी कैन से इट इज द बिग बॉस. मतलब एनीथिंग, जो भी कंट्री में डिफरेंट बैंक्स जो भी काम कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी आरबीआई के पास है. मतलब वो जाके उनको क्वेश्चन कर सकता है व्हाट एवर दे आर डूइंग. एक देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, दैट इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बैंक. ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीआई. आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं बिकॉज इट इज द बॉस, इट इज द यू नो बिग यू नो अंडरटेकिंग विच इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द बैंक्स अंडर इट. चाहे कितने भी बैंक है आपका, आपका जो भी आप एक्सिस है, पीएसयूज है, जितने भी सारे बैंक है वो इस आरबीआई के अंडर आते हैं. नो बडी इज अबव आरबीआई. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट क्रूशियल इज दैट इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री. सेकेंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी एंड द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. ओके, मतलब जो मैंने आपको बताया, जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप लोग सबको पता है कि यू नो प्रिंटिंग मनी एंड एवरीथिंग, तो ये वो वाला पॉइंट है कि सारा जो मनी जो प्रिंटिंग होता है, जो सप्लाई होता है, जो इकोनॉमी में, वो सब आरबीआई रेगुलेट करता है. ठीक है, एनीथिंग इज नथिंग इज आउटसाइड द परसुएट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और अगर कोई भी काम आरबीआई की विजिलेंस के बाहर कोई भी बैंक कर रहा है उसको हम इलीगल बोलते हैं. ठीक है, वो लीगल नहीं है. बिकॉज आरबीआई क्या है, गाइडलाइंस देती है. आरबीआई क्या देती है? गाइडलाइंस देती है. अब उस गाइडलाइंस के ऊपर बाकी सारे बैंक ए बी सी जितने भी बैंक है उनको काम करना पड़ेगा. यो मैंडेटरी है. वो चाह के भी नहीं बोलेंगे नहीं हम आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग इलीगल एंड दैट मीन्स यू हैव टू फेस द क्रंच ऑफ इट. सो इट इज द इश्यू एंड सप्लाई ऑफ मनी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है. एंड थर्ड पॉइंट, कंट्रीज का पूरा जो पेमेंट सिस्टम है, जो पूरा पेमेंट सिस्टम है कंट्री का, वो आरबीआई मैनेज कर रहा है. फॉर व्हाट? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, अगर कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए तो एक बैंक जो है ये आरबीआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, जैसे फॉर अब सिंपल एग्जाम्पल ले लो ना, आप लोग स्कूल कॉलेजेस में जो भी आपने पढ़ा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है इज द क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल? नो, द प्रिंसिपल इज अकाउंटेबल. अगर मैनेजमेंट बात करेगा वो प्रिंसिपल से बात करेगा, वो इंडिविजुअल टीचर से जाके तो बात नहीं करेगा. तो इसीलिए अगर कंट्री में कुछ भी इश्यू होता है मनी को लेके, मनी सप्लाई को लेके, जैसे अभी कोविड में जो भी इतने इश्यूज हो रहे हैं, तो आंसरेबल कौन है? एक्सिस, स्टेट बैंक, ये लोग आंसरेबल नहीं है. आंसरेबल है आपका आरबीआई. ओनली आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल. क्यों? बिकॉज इट इज गिवन दैट अथॉरिटी. उसको ये अथॉरिटी दिया गया है, हमारे गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दिया है कि आपको देखना है कि सिस्टम में कुछ भी इधर से उधर ना हो. आई एम टॉकिंग अबाउट इधर से उधर, मतलब बिग, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट्स एंड यू नो सम्स ऑफ मनी. जो इधर से उधर जो होता है, जो यू नो जैसे आप लोग सबने सुना हुआ है इन सब के बारे में, यू नो जो पैसे चीट करके फ्रॉड करके ले जाते हैं करोड्स एंड यू नो, तो वो सब चीजों को सबका विजिलेंस आरबीआई के अंडर में है. और अगर इंडिविजुअल बैंक ने कुछ गलत किया है, आरबीआई हैज टू मतलब पनिश, दे गोइंग टू यू नो आस्क देम टू पे पेनल्टीज फॉर दैट. ओके, सो इसी तरीके से पूरा जो सिस्टम को, इंडिया की कंट्री का जो पैसे का जो पूरा आपके जो इकोनॉमी रन हो रही है वो आरबीआई रन कर रही है. आपको दिखता है गवर्नमेंट रन कर रहा है, बट ऑन द बैकड्रॉप इट इज द आरबीआई डूइंग इट. ओके, तो ये सब जो तीनों पॉइंट्स है ना, इसको पूरा ध्यान में रखना है हमको, इश्यू एंड सप्लाई, पेमेंट सिस्टम, बिकॉज ये आपके एमसीक्यू में पॉइंट्स होंगे व्हेन यू हैव टू टेक. सो इफ यू हैव दैट क्लैरिटी, बिकॉज देखो अगर समझोगे चीजों को तो एप्लीकेशन ईजी होती है. ठीक है,
और बैठ के दुनिया भर के नोट्स भी पढ़ लोगे ना, कुछ अंदर जाने वाला नहीं है. बिकॉज देखो नोट्स आर समथिंग ओके फाइन, बट यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट समथिंग एज गुड एज WBCS, प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंटरव्यू में भी, इट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू. इंटरव्यू में भी कोई आपको इधर से उधर ना कर पाए, यू नो, चैलेंज नहीं कर पाए. सो आई मेक श्योर दैट यू आर विथ मी, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो. माई होल एजेंडा आप लोग देखोगे मेरे स्लाइड्स में कुछ ऐसे नोट्स नहीं है, नोट्स एंड ऑल वी आर हियर आपको बहुत मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर समझ जाओगे, यू विल नॉट नीड एनी वन आफ्टर मी, यू नॉट नीड एनी वन, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ओके, सो दिस इज इट. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज आरबीआई एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई. नाउ वी प्रोसीड. अच्छा, आरबीआई के लिए इतना ही आप लोगों के लेना है, ठीक है, कब वो फॉर्म हुआ, कौन सा एक्ट है, कमीशन एंड द फंक्शंस, ठीक है. अब हम इस टर्म पे आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है? एनीवन? एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ आइडिया है? मैं मतलब related to RBI, the monetary policy. ये question किसका है? मैं माय शो. सौगंधा, ओके, कोई और बोलो, कोई और बोलो. सौगंधा, I'm bored with you. कोई और बोलो अब. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसके इसके साथ exactly बहुत अच्छी बात है. ओके, देखो आप लोग ने ठीक बोला, मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई सेम है जो भी है. देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, ठीक है. जैसे यूएस में, यूएस में क्या है, सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, अगर फेड रिजर्व की पॉलिसी है उसको भी हम मॉनेटरी पॉलिसी ही बोलेंगे. सो डोंट थिंक कि मॉनेटरी पॉलिसी है तो मतलब आरबीआई की ही पॉलिसी है. नो, आरबीआई की पॉलिसी इसलिए है बिकॉज हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई. तो कोई अगर क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, डोंट से इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई. क्या बोलोगे आप लोग? इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. और हमारे केस में सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है. तो इसलिए हमारे केस में वो आरबीआई है. दिस इज द वे यू गॉट टू आंसर. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ एनी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. अगर आपको वो कोई और कंट्री का सेंट्रल बैंक बोलेंगे और बोलेंगे इसका पॉलिसी क्या है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी ही है. ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का पॉलिसी है क्योंकि वो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है. ये है. और ये डेफिनेशन देखो, मैं डेफिनेशन पे फोकस बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरा मेन एजेंडा है समझाना, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो. मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस अंडरटेकन बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. और ये पॉलिसी एक्चुअली क्या है? ये पॉलिसी एक्चुअली है कि, हाँ बोलो मैम, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल इकोनॉमी, देखो सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, जो कि चलता रहे, जो कभी खत्म नहीं हो, ठीक है, नेवर एंडिंग, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल. मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग को आज, हम लोग जो इन्वायरमेंट का एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ, सबसे अच्छा कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का ही होता है. जैसे आज आप लोग को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन मत करो, ठीक है. अभी जितना कोविड हुआ सबने बोला हमने इतना पॉल्यूट किया था इन्वायरमेंट, दिस इज द इन्वायरमेंट गिविंग बैक टू अस. ओके, तो इतना जो हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, इतना हम जो रिसोर्सेस को खराब कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर देते हैं लेकिन उसके बाद हम वापस उसको लगाने का नहीं सोचते हैं, ठीक है. तो ये सब जो चीजें हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ये सब चीजें एंड हो जाएगी ना, ये एंड हो जाएगी. बिकॉज ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेस क्या है, दे आर नॉन रिन्यूएबल. मतलब एक बार चला गया तो उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है. तो उसलिए क्या होता है ना, हमको ऐसा काम नहीं करना है, हमको नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है. बिकॉज इससे क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी खत्म होगा, वो चीजें खत्म होती जाएगी तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को वो चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है. तो इसीलिए हमको जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, जो आपको बोलते हैं ना प्लास्टिक कम यूज करो, क्यों? बिकॉज ये सब चीजें इन्वायरमेंट में 150-200 साल तक रह जाती है, ये सब डिग्रेड नहीं होता है. ओके,
सो क्या होता है, पॉल्यूशन परसिस्ट करेगा और उससे क्या होगा, आवर कमिंग जनरेशन वुड सफर बिकॉज ऑफ दैट। तो इसीलिए इसका मतलब होता है सस्टेनेबल, मतलब हमको ऐसा काम करो जो सस्टेनेबल हो, जो कभी खत्म नहीं हो। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है, अब आपको समझ में आया स्नेहा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? यस मैम, यस मैम। नेवर एंडिंग ग्रोथ मतलब ग्रोथ हमारी ऐसी हो जो कभी खत्म नहीं हो। आज हमारा जो जीडीपी है, बाद में कभी जीडीपी का डिस्कशन हुआ तो अच्छे से समझाऊंगी, आज हमारा जो जीडीपी है उसको क्या करना है, हमको लगातार इंक्रीज करना है, उसको डिक्रीज नहीं करना है। डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, बिकॉज देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो अगर ग्रोथ को हम रोक देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। और मिसमैच होने का मतलब क्या है, फूड शॉर्टेज, क्राइसिस, ये सब जो होता था जब हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में थे, तब ये सब होता था, बिकॉज दे डिड नॉट केयर अबाउट द पीपल। तो वही है, अब तो हम जो एज एन इकोनॉमी हम जैसे डेवलप कर रहे हैं, हमको और बेटर करना है इन कमिंग जो भी है ईयर्स। तो उसी लिए सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। आज आप लोग जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल में रखते हो ना ज्यादा ना कम, एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो पाए, ठीक है। सिंपल, जस्ट रिमेंबर, मॉनेटरी पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई मतलब पैसा देखना है उसको, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अचीव हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो मैम, नहीं नहीं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, विल प्रोसीड। ओके, अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी समझ लिया, सबको समझ में आ गया। अब देखो दो टाइप्स के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, एक्सपेंशनरी होता है और आपका कॉन्ट्रैक्शनरी होता है, ध्यान रखो। बिकॉज देखो इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है WBCS, ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देती हूँ। और जो नहीं लिख रहे हैं मैं उनको जरूर बोलूंगी एटलीस्ट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले ले वो, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, सबके पास एवरीबडी नोज हाउ टू डू दैट, सो प्लीज उसका ले लो ताकि बाद में आप लोग को रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सपेंशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, जो समथिंग जिस इंक्रीज, एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग, राइट। तो जब हम क्या करते हैं, जब हमको हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, जब हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। अब बताओ, आप मुझे बोलो कि कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लो कि आप आज लोन लेने जा रहे हो बैंक से, ठीक है, तो आज आपको सपोज 10% पे मिल रहा है, ठीक है, टुडे आपको लोन मिल रहा है आप 10% पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मे बी आफ्टर सिक्स मंथ्स आप जाओगे, वो आपको बोलेगा नो इट हैज कम डाउन टू 8%, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इस टाइम इसको लोगे, आपको 2% का रिबेट मिल रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। मतलब क्या हुआ है, आरबीआई, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं मनी की, हमेशा आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे। ये मत बोलना कि मैं बोल रही हूँ आप बोल रहे हो, नो, आपका बात मैटर नहीं करता है। हमेशा जब भी मॉनिटरी पॉलिसी का बात करोगे बोलोगे आरबीआई, ठीक है। तो ध्यान रखो, आरबीआई ने क्या किया है, उसने मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज कर दिया है। मतलब क्या किया है, ज्यादा पैसा डाल दिया है सिस्टम में, ठीक है। अब ज्यादा पैसा डाल दिया है सिस्टम में तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा कि नहीं घटेगा? ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई है। अगर मनी ज्यादा होगा मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हमेशा याद रखो, मनी सप्लाई इंक्रीज जब होता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमेशा याद रखना, और मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, एक्सपेंशन वर्ड दिमाग में रखोगे, जब एक्सपेंशन होता है तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट घट जाता है, इससे क्या होता है, क्रेडिट इजीली मिल जाता है।
अभी देखो 8% डेफिनेटली इजियर है ना 10% से, तो इसका ये मतलब है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो इस तरीके से जो मनी जो प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में उसको हम चीप मनी बोलते हैं। रिमेम्बर दिस वॉज योर WBCS क्वेश्चन ऑल्सो, दिस वॉज योर WBCS क्वेश्चन। कैसे पूछेगा मैं आपको बताती हूँ। चीप मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज, ऑप्शन में आपको देगा एक्सपेंशनरी, नीचे में देगा कॉन्ट्रैक्शनरी, थर्ड देगा बोथ, फोर्थ देगा नन। आंसर क्या होगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। बिकॉज देखो ना टोटल चीप मनी किस लिए बोल रहा है, चीप मनी का मतलब क्या होता है, जो इजिली मिल जाता है ना। तो डेफिनेटली जब टोटल सप्लाई इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तो लोगों को लोन इजीली मिल रहा है, इजीली अगर कोई चीज मिल जाती है उसको चीप बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम आया है चीप मनी। जस्ट रिमेम्बर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी टोटल मतलब एक तो इसको ना एक फॉर्मूला में लिख के रख लो, एक्सपेंशनरी मतलब इंक्रीज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, लोन्स इजीली अवेलेबल, चीप मनी, दैट्स इट। बस इतना दिमाग में आपको रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस होगा, अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तो मैं आप सब जाके लोन ले पाएंगे ना, लोन ले पाएंगे तो कुछ काम स्टार्ट कर पाएंगे अपना, और कुछ काम स्टार्ट करेंगे अपना तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। ओके तो ये वाला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कब लेके आती है, गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई कब लेके आता है, जब उसको एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करना है, जब उसको एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन करना है। अगर आपको पूछ लिया कहीं पे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन के लिए कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी यूज होगा, तो आंसर विल बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी। ओके दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशनरी। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्शनरी, इसका जो ऑपोजिट है। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। अब देखो एक्सपेंशनरी अगर समझ में आ गया है तो कॉन्ट्रैक्शनरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पे हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इट विल डिक्रीज। अब डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बहुत पैसा इकोनॉमी में आ गया है, उस पैसे से क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। ज्यादा पैसा होने का मतलब प्राइस राइज होगा कि नहीं होगा, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका अनियन का प्राइस बहुत राइज हो गया, दिस इज इन्फ्लेशन। ओके तो क्या होगा, जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तब वो मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, मार्केट से पैसा उठा लेगा। अब कैसे उठाता है आरबीआई मार्केट से पैसा और कैसे डालता है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। बस अभी ये समझो कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज कर देगा मार्केट में, ठीक है। और इसीलिए इस पॉलिसी को किस लिए यूज करते हैं हम, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसा है इकोनॉमी में, उसको अब निकालना है। बिकॉज एक टाइम एक लेवल के बाद प्राइस राइज अगर बहुत हो जाता है तो आरबीआई को बीच में आना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना बिग बॉस है, अगर देख रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इन्फ्लेशन इकोनॉमी में, तो वो आके इस पॉलिसी को अप्लाई कर देगा और सारा पैसा मार्केट से उठा लेगा, ठीक है। और डेफिनेटली वो उठा सकता है बिकॉज इट इज द सोल गार्जियन ऑफ द इंटायर मनी सिस्टम ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड विच ऑफ द पॉलिसी इज यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, आंसर इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। ओके तो उसका हमने आगे में पढ़ा था चीप मनी, तो इसका क्या है, डियर मनी। डियर मनी इज एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शनरी, डियर बोल लो टाइट बोल लो, बिकॉज क्या है ना इस केस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, बिकॉज मनी सप्लाई डिक्रीज कर देगा तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो अब मनी चीप नहीं रहा, पहले चीप हो गया था, अब इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा तो हम और आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरबीआई को ये करना पड़ता है बिकॉज मनी बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है मार्केट में, उसको थोड़ा सा उसमें कंट्रोल लाना पड़ता है। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और मनी जिससे प्रोड्यूस होता है उसको हम डियर मनी या टाइट मनी बोलते हैं, ठीक है। कीप नोटिंग डाउन ऑल ऑफ दिस। और दिस इज द लास्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, अगर ये पॉलिसी हम लेके आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। पहले में हमने पढ़ा था ना
एक्सपेंशनरी में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, इसमें बढ़ जाएगा. तो दैट मीन दिस इज नॉट अ गुड मॉनेटरी पॉलिसी, ये नेगेटिव पॉलिसी है. लेकिन ये यूज करना पड़ता है कभी कभी आरबीआई को, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख पाए. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, वेरी गुड. नाउ विल मूव अहेड. अब मैं शायद यहाँ पे अब आप लोगों को क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं. अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर क्लियरली समझ में आया है, आप सबके क्वेश्चंस बनेंगे. और अगर किसी का नहीं बन रहा है, मतलब उसने ध्यान से नहीं सुना. उससे पहले हम थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. अब क्योंकि देखो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया, सब पॉइंट्स आप लोग रिलेट कर पाओगे. मैंने लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स दिया, इसलिए स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेफिनेटली हम इकोनॉमिक ग्रोथ का बात किए हैं, हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का बात किए हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा आपका. सॉरी, या वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब राइज होगा. होगा, डेफिनेटली होगा. इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, डेफिनेटली. अभी हम पढ़ के आए हैं कहाँ का इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है. इम्प्लॉयमेंट, यस, इम्प्लॉयमेंट का वी हैव डिस्कस्ड. एंड यस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? ना ज्यादा सब रिच हो, ना बहुत सब पुअर हो. मतलब सबके पास इक्वली अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हो इकोनॉमी में. ओके, बिकॉज क्या होता है, सबको, हमको क्या है, फूड, वाटर, लिविंग, जो भी है हमारा, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, वो सबको मेंटेन करना है. तो गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि पैसा इस तरीके से इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हो कि सबके पास जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उतनी नीड्स है, वो फुलफिल हो. ठीक है, तो यही मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमको अचीव करना है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, और सबको पैसा बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उससे पहले हम देख लेते हैं अभी रेपो रेट वगैरह. मुझे सुनने को मिला था कि मैम रेपो होता है, रिवर्स रेपो होता है. अब ये क्या है? अब आप लोग ने समझ लिया ना मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. अब मैं आपको बताती हूँ कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. इसको हम टूल्स इसलिए बोलते हैं, टूल्स के अलावा और एक चीज इसको बोल सकते हो आप, इसको इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, There are two category. एक है quantitative tools आपका और एक है आपका qualitative tools. ठीक है, लेकिन हमारा जो main syllabus area है ना, वो ये है. They don't ask you questions from this topic. ठीक है, although I will discuss that with you also, no issues. But वो इस side से नहीं पूछते हैं. तो ये अपना main area है जहाँ पे हमको पढ़ना है. ठीक है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या है? अब हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, मनी को कंट्रोल करेगा, सिस्टम में देखेगा मनी ठीक ठाक से है, फ्लो अच्छे से हो रहा है, कोई इनलीगल एक्टिविटीज नहीं हो, इन्फ्लेशन रिड्यूस्ड हो, ये सब करता है. लेकिन करेगा कैसे? उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए. ओके, फॉर डूइंग एनीथिंग यू रिक्वायर ना टूल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू डू गुड इन योर एग्जाम्स, व्हाट यू रिक्वायर? यू रिक्वायर बुक्स, यू रिक्वायर टीचर्स, डोंट यू रिक्वायर? तो ये सब क्या है? आपका टूल्स है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट का हम इतना देर से बात कर रहे हैं, आरबीआई ये ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो कैसे करेगा? वो ये सब टूल्स को यूज करेगा. ये सब इंटरेस्ट रेट टूल्स है आरबीआई का. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में देख लो एक बार आप लोग सब यहाँ पे, बिकॉज नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, या फिर एक स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि एटलीस्ट ये देख के आप लोग आंसर्स दे पाओ फटाफट. ठीक है, तो देख लो क्वांटिटेटिव टूल्स है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो. और देखो ये सब का ना फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपका, डब्ल्यूबीसीएस में फुल फॉर्म पूछ लेता है. एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. दूसरा ऑप्शनल आपको दे देगा कुछ और. ठीक है, मार्केट स्टैंडिंग फैसिलिटी दे दिया, तो यू हैव टू नो दैट दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ओके, तो जस्ट हैव अ लुक. अब ये क्या है ये मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी आप लोग को. ओके,